बेनाय उपखंड के बांधनवाड़ा और झड़वासा के बीच गोंदा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और युवक के बीच हुआ विवाद। यहां ट्रैफिक पुलिस ने तेज गति से चलते वाहन चालक को अचानक रुकने का इशारा दिया, मगर चालक फोरलेन पर गाड़ी 80 से 90 की स्पीड होने के कारण नहीं रुक पाया, जो पुलिस ने पीछा करके रखवा गया। वहां चालक से वाहन के कागजात देखकर रिश्वत की मांग की और मारपीट शुरू कर दी, जिसको लेकर गाड़ी में महिला परिजनों ने युवक के बीच बचाव किया तो पुलिस ने महिला परिजनों के साथ भी मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान पुलिस ने रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। इस दौरान ग्रामीण भीड़ ने पहचान के लिए ट्रैफिक पुलिस के मुंह दिखाते हुए वीडियो एकत्रित कर वायरल कर दिया। बात क्या हुई? अरे कुछ नहीं, इन्होंने जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था तो इन्होंने मेरे को गाड़ी रोक दी। जैसे ही रोक कर आए मेरे को लाइसेंस दिखा, मैंने लाइसेंस दिखा दिया, सीधा मेरे को गाड़ी रोक। क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गड्डी है और मैं भिलवाड़ा जिले का, मेरा आसन तहसील है और भिलवाड़ा जिला है मेरा। अच्छा, पीछे आपके पीछे पुलिस की गाड़ी थी? गाड़ी आई थी और मैंने रोक दी, लाइसेंस दिखा दिया अपना। क्या पोस्ट पे? क्या पोस्ट? हाँ, यही से हूँ। हाँ बताओ बताओ, क्या पोस्ट पे? ये था यहाँ पर, ये से। तो सर ये क्या मामला हुआ अभी? ये क्या था कि ओवरस्पीड में तीन के सिपाही खड़ा था रोड में, हाथ दिया। और ये सिपाही कौन है? सिपाही कौन है? पाँच हजार रुपए मांगे ना। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है।